पे बासमती राइस लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने ये कटोरी ली है और ये इतनी खाली है, आप देख सकते हैं। तो मैंने चावलों को अच्छे से भीन लिया है, मतलब एक एक करके, और साफ़ है मेरे चावल। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, चावलों को वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद एक कॉटन के कपड़े पे सूखने के लिए फैला दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने राइस को वॉश कर लिया है और अब मैं इसे डालूंगी एक कपड़े पे। इसे मैं 2-3 मिनट तक रहने दूंगी जब तक इसका पानी ना सूख जाए, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक कपड़ा ले लिया है और मैं इसको ऐसे चावलों को इस पर डाल दूंगी और उसके बाद अच्छे से इसको फैला देना है और चावल का पानी बिल्कुल सूख जाए आपको तब तक इस पर रखना है, तो आप ऐसे ही करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे चावल एकदम सूख चुके हैं, ये देखिए आप, एकदम सूख है ना, और इनका पानी जो था एकदम सूख चुके हैं और एकदम अच्छे से हो चुके हैं। तो अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे और कढ़ाई आइए, तो चलिए कढ़ाई रख। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और अब मैं इसमें डालूँगी देसी घी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे देसी घी डाल दिया है, आप चाहें आप जो भी घी खाते हो या जो भी ऑयल खाते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी अपने चावल। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे चावल डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं, और हमें अब इसको अच्छे से भूनना है चावल को, एकदम थोड़ा जब तक खुशबू ना आ जाए हमें इसे तब तक भूनना है। और मतलब फ्लेम ज़्यादा आपका हाई नहीं होना चाहिए, लो ही रहना चाहिए, तो अगर हाई हो गया तो ये जल भी सकते हैं। सो आप बहुत ध्यान से इन्हें ब्राउन होने तक, ब्राउन नहीं मैं बोलूँगी, इनमें खुशबू आने लगेगी, मैं आपको दिखाऊँगी। सो इन्हें आप तब तक पकाएँ, मेरा मतलब है कि इन्हें फ्राई करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे जो चावल हैं वो इसमें हल्के हल्के से भून से रहे हैं, देख सकते हैं आप, खुशबू से आने लगी है। आप भी तब तक इसको करें जब तक इसमें खुशबू आने लगे, और बहुत स्लो आँच पे ही रखें, हाई ना करें बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे जो चावल हैं वो भून चुके हैं, आपको कलर भी एकदम चेंज लग रहा होगा। सो इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, एक तो देसी घी है, ऊपर से इनकी हल्की हल्की भूनने की जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। सो अब मैं इसमें क्या करूँगी, अब मैं इसमें डालूँगी दूध, तो मैं आपको दिखाऊँगी आगे कि मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। तो तब तक मैं आपको जो मैंने मेवा लिए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या मेवा लिए है इसमें डालने के लिए, इसमें ऐड करने के लिए, क्योंकि खीर जब बिना मेवे की होती है ना तो वो अच्छी नहीं लगती है। सो इसलिए मैंने मैंने क्या क्या लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने मखाने लिए हैं और काजू हैं, किशमिश है मेरे पास, आप देख सकते हैं, और बादाम है। यहाँ पे मैंने सफ़ेद इलायची ली है, तो वो भी है यहाँ पे, 6 मैंने सफ़ेद इलायची ली है। और ये खरबूजे के बीजे हैं, और इधर मैं दिखा दूँ आपको ये अखरोट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास छुआरे हैं 3, और यहाँ पर मैंने थोड़ा खोया लिया है, मेरे पास रखा था, आपके पास नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। और यहाँ पे पिस्ता भी होता अगर तो मैं डालती, पर मेरे पास नहीं है, और अगर आपके पास है तो डालें, मेरे पास नहीं है। सो मैं इन सबको काट लूँगी, और काटने के बाद मैं आगे आपको, इसमें मैंने पूरा 1 लीटर दूध डाल दिया है खीर में, मतलब चावल में, और इसको अच्छे से अब बनने देंगे। मैंने पानी बिल्कुल नहीं लगाया है, और ये दूध जो है वो फुल फेट मिल्क है, मतलब इसमें बिल्कुल एकदम प्योर दूध है। सो यहाँ पर मैं पानी नहीं लगाऊँगी, इसको दूध में ही पकाऊँगी। तो जब मेरा जो दूध था इसमें मैंने जो डाला था वो बॉइल हो चुका है, कुक खोल भी रहा है, और अब मैं इसे मतलब जो हाई है तो उसको मैं लो कर दूंगी गैस को, और अब हम इसे सिलो सिलो ही पकने देंगे। और अब मैं इसे डालूंगी इलायची। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इलायची डाल दी है, आपको क्या करना है, इलायची को तोड़ के बीच में से डालना होता है, मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ऐसे आपको तोड़ के डालना है, शायद आपने देख लिया है। सो आपको अब ऐसे ही पकने देना है, ना इसमें कुछ चीनी वीनी कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ इसे पकने देना है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ऐसे ही धीरे धीरे पकाएं, और ये लगनी नहीं चाहिए नीचे, आप इसे चलाते भी रहें बीच बीच में। सो आप सोच रहे होंगे इलायची दिख रही है मुंह में जाएंगी कैसा टेस्ट आएगा, तो फ्रेंड्स आप इसकी जगह पे इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास नहीं था तो मैंने इलायची डाल दी। आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, आप इलायची पाउडर ही यूज़ करें, बट मेरे पास नहीं था तो इसकी खुशबू तो लानी थी, और इसके बिना खीर तो अधूरी है। सो अभी वो चुकी है, अब मैं इसमें मैंने मेवा काटी है, आइए मैं वो आपको दिखा दी। ये देखिए मैंने सारी मेवाएं जो है वो काट ली हैं, और अब मैं इसको खीर में डालूंगी विथ चीनी के साथ, मैं ये डाल रही हूँ, मैंने साथ में खोया भी ले रखा है, और अब मैं इसको डाल के अच्छे से चलाऊंगी, अब ऐसे चला दें, और अब इसको 5 मिनट तक ऐसे ही पकने दें, गैस को कर दें बिल्कुल लो, इसको ढक दें, और बस फिर आपकी खीर है रेडी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ सर्व करके। तो फ्रेंड्स, देखिए कितनी अच्छी सी मेरी खीर बनके एकदम रेडी है, और अब मैं इसे करूँगी सर्व, तो मैं इसे सर्व करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी यम्मी सी खीर बनके तैयार है, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होती है साथ में। सो आपको मेरी खीर कैसी बन लगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरे
रेसिपी आपको कैसी लगी, एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।